थोड़ा सा देसी टेक्सचर जितना हेल्दी रहता है ना, वेस्टर्न कल्चर उतना अनहेल्दी रहता है। चने की दाल ले लो या मूंग की दाल ले लो, उससे होता ही है सर, एक गैस पैदा होने के कारण लेजीनेस आती है सर। ये चीज़, हाँ जी सर, स्टफिंग जो, अरे बाप रे, क्योंकि आम जो ककरो लोट यूज थो बहुत मजा आ, पैसा वसूल जाए। सर हमारा नाम आयुष अग्रवाल है, ये हमारा पैनल है सर सेठ बाटीवाला के नाम से, मेघदूत गार्डन चौपाटी पे इंदौर में है जी। हम लोग अभी पिज़्ज़ा बाटी बना रहे हैं। ये हमने लिया है सर प्योर गेहूं का डो है, पूरा आटे का डो रहता है। ये सर हमने इसमें डाला मोज़रेला चीज़, ये आलू का मसाला, ये हमारा मूंग का मसाला, पनीर का मसाला, तो ऐसे हमारे कॉर्न्स। एग्जैक्टली हम लोग क्या है सर, बस कोशिश कर रहे हैं मार्केट से मैदे को रिप्लेस करने की। इस बेस पे गेहूं में आइटम्स ला रहे हैं कि आइटम हेल्दी भी हो जाए प्लस टेस्टी भी हो जाए। जो पिज़्ज़ा बाटी है हमारे सबसे ज़्यादा सेलिंग है, ये ओवरऑल इंडिया में अपने लाओ कहीं नहीं है अभी, सिर्फ आपके वहाँ। हाँ जी सर, और ये भी स्टफ़ में हम लोग देसी वेरिएंट सारे इसलिए ला रहे हैं मसाले, क्योंकि सर वेस्टर्न कल्चर हो गया बहुत, थोड़ा सा देसी टेक्सचर जितना हेल्दी रहता है ना, वेस्टर्न कल्चर उतना अनहेल्दी रहता है। टेस्ट तो रहता है, बाकी लोग ये नहीं समझते कि देसी में टेस्ट भी रहता है प्लस हेल्थ भी रहती है, बस बनाने का उसका तरीका आना चाहिए। तो इसी बेस पर ये आइटम्स लेके आए कि मार्केट में क्या मैदे का प्रॉपर ईजीली अल्टरनेट आना चाहिए, कि प्योर गेहूं में, कि फैमिली के साथ निकलो तो कहीं पर भी आपको सोचना ना पड़े खाने से पहले। लेकिन वो जो राजस्थानी बाटी होती है वो पूरा अलग होती है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है सर। वो एग्जैक्टली दाल के साथ सर्व होती है, वो ओवन में और उस पर सिकती है, अपनी कंडे पे या कोयले पे सिकती है, वो दाल के साथ सर्व होती है। दाल हमने इसमें से इसलिए हटा दी क्योंकि दाल क्या होता है सर, पेट में आके गैस पैदा करती है। चने की दाल ले लो या मूंग की दाल ले लो, उससे होता ही है सर, एक गैस पैदा होने के कारण लेजीनेस आती है सर, तो वर्किंग आवर्स में नहीं खा पाते। एक साइकोलॉजी बनी हुई है कि दाल बाटी है या दाल बाफले आप खा रहे हो तो उसके बाद आपको आराम करना है क्योंकि नींद आएगी। इसमें हमने दाल का कॉन्सेप्ट हटा दिया, इसको हमने एक फास्ट फूड वे में कर दिया कि आप इसको मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से लेकर नाइट डिनर तक ले सकते हो, वर्किंग आवर्स में भी ले सकते हो, ये खाने के बाद आप काम कर सकते हो, मतलब इसके बाद आपको लेजीनेस कभी नहीं आएगी। इसको पकने में कितना टाइम लगेगा? इस पर सर 3 से 4 मिनट लगता है टोटल, और एक आध मिनट इस पर लगता है कोयले पर, क्योंकि इसके बाद डायरेक्ट कोयल के ऊपर रख के सिकाती है। ये लकड़ी के कोयले, इसकी भी राख सर जैसे कंडे की राख रहती है वैसी रहती है, इसकी भी राख नुकसान नहीं करती सर। ये हमारी 50% बेक हो गई है सर बाटी यहाँ पे, और 50% डायरेक्ट कोयले के ऊपर रख के सिकाती है कोल पे। इसका क्या है सर, एक स्मोकी टेक्सचर भी आ जाता है, एक स्मोकी फ्लेवर आ जाता है इसका, बाटी प्रॉपर पक भी जाती है, स्मोकी टेक्सचर भी आ जाता है, तो इससे और ज़्यादा उठाव आता है टेस्ट में। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि ये चीज़ अभी तक तो यही है सर, अभी तक तो यही है, मैंने भी कहीं देखी नहीं है, आपके अलावा किसी भी वीडियो में मैंने नहीं देखी है। सही है। एक तरफ से आप बोल सकते हो ये हेल्दी है, हेल्दी है सर, मतलब एग्जैक्टली पिज़्ज़ा अगर आपको 100% नुकसान कर रहा है, इसमें भी कुछ कुछ पार्ट रहता है सर जो नुकसान करता है, लाइक चीज़ वाला जो पार्ट है वो आपको नुकसान थोड़ा सा करेगा। अगर आपको पिज़्ज़ा 100% कर रहा है तो ये आपको 20-25% करेगा। मेरा ये मानना है सर 70-75% तो आप क्योर हो रहे हो। और क्या है सर, मेन मैदा डाइजेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, जो यूजुअल पिज़्ज़ा रहता है जो मार्केट में इजीली अवेलेबल रहता है उसमें होता ये है सर कि सबसे पहली बात तो एक मार्केट में एक नया चलन आ गया होल व्हीट पिज़्ज़ा के नाम से। अगर आप उसकी एक्चुअल रेसिपी देखोगे तो उसमें सर 30-40% मैदा डालते हैं ये लोग, क्योंकि मैदे के बिना उसमें कभी भी स्पंचीनेस आ ही नहीं सकती, आटे में बहुत ज़्यादा कड़क हो जाता है बेस। तो मेरा पर्सनली ये मानना है कि आप उस चीज़ को होल व्हीट मैदा मत बोलो, मेरा क्या सर पर्सनली ये मानना है कि आप उस चीज़ को होल व्हीट पिज़्ज़ा मत बोलो, क्योंकि आपके पास कस्टमर्स आ रहे हैं
उनमें से हो सकता है कुछ कस्टमर्स ऐसे भी आए जिनको लाइक मैदा चलता ही नहीं हो या किसी रीज़न से डॉक्टर ने मना किया है, आप सीधे सीधे उनकी हेल्थ के साथ रिस्क ले रहे हैं। तो इसी बेस पे सर हम पिज़्ज़ा में ये चीज़ लेके आए। हमारा एग्जैक्टली इनिशियली कोई मोटो नहीं था कि बाटी जैसी चीज़ में कोई चीज़ एंड ऑल डाले। बाकी ये लॉकडाउन के बाद से और ये पेंडेमिक्स के कारण सर फिर हमने इसको प्रमोट भी करना चालू करा, इसको फिर हमने पिज़्ज़ा बाटी भी लेके आए कि नहीं मार्केट में यूथ को अगर चीज़ पसंद आ रहा है, ये पिज़्ज़ा पसंद है तो एक हेल्दी ऑप्शन होना चाहिए। ये सर हमारा प्रोसेस चीज़ डलता है इसके ऊपर, ये हमने कट करके पहले इस पर बटर ग्रेड करा है, पूरा बटर डाला है और ये प्रोसेस चीज़ पूरा ग्रेड हो रहा है। बटर भी जो हम लोग यूज़ करते हैं वो भी अमूल का होता है, इसमें हम लोग क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। घी बस इसलिए यूज़ नहीं कर पाते सर, घी में एसेंस बहुत हार्ड होता है, स्टफिंग का टेस्ट दबा देता है सर मसालों का, तो इसलिए हम लोग बटर यूज़ करते हैं कि इसका एसेंस थोड़ा सा लाइट रहता है तो उसमें प्रॉपर टेस्ट बैठ जाता है साथ में। और ये सर हमारी पिज़्ज़ा सीजनिंग है, ये सर हम हरियाणा से बुलवाते हैं पिज़्ज़ा सीजनिंग भी, इसमें ओरिजिनल हर्ब्स रहते हैं। ये सर हमारी सर्व होती है, ये हमारा रेड सॉस सर, ये भी होममेड रहता है, एक ये हमें एक ग्रीन चटनी कर्ड, इसको पीसेस और थोड़े छोटे कर देते हैं सर कि प्रॉपर इजीली खाने में आ जाए। क्या प्राइस है इसकी? ये 100 रुपीज़ है सर, दो लोगों के हिसाब से सफिशिएंट रहती है। बाटी वाला नहीं, पिज़्ज़ा बाटी अने एकदम गर्मा गर्म है, आ जाओ तुम अंदर। स्टफिंग जो, अरे बाप रे, पिज़्ज़ा जो शेप है, जो बाटी है कम्प्लीट तमारी सामे ज बनावशे, दरेक स्टफिंग ने बधी वस्तु तमारी सामे ज भरशे। अने एवुं कहेवामां आवे छे कि चीज़ सिवाय 90% वस्तु आमां हेल्दी है। टेस्ट करिए केवुं छे, कदाच आखा इंदौर में अहींया मळे छे, आखा इंदौर में नहीं, हमने जो अहींया चालू करी है, बीजे कसे अवेलेबल नहीं, एटला माटे टाइटल में राखेलू छे कि दुनिया में आ वस्तु तमने खाली अहींया ज मळशे, बाटीवाला ने त्यां। दाल बाटी बाटी जो नहीं लगे तमने, 20% जो तमने ढोकड़ा जो टेस्ट आवशे। ढोकड़ा में केवो लगे कि अपने भाकरी नो लोट खाता हो थोड़ो ए टाइप नो, पण वस्तु सारी है, हेल्दी है, अंदर जो स्टफिंग नाख्यू है एनो टेस्ट एकदम परफेक्ट आए, और ऊपर से जो चीज़ कही सकिए मसालो कही सकिए एनो टेस्ट पण आखो अलग पड़ जाए। एक्चुअली ट्राई करवानो हशे चटनी जोड़े, पण आपणे डायरेक्ट पहला तो कहे कि आज टोमेटो सॉस है ये पण एमने त्यां ज बने छे। ઢોકળા હાંડવા અને ભાખરી એ ત્રણ વચ્ચેનો ટેસ્ટ છે। અમને ટામેટા ચટણી જોડે પણ ટ્રાય કર્યો, એ પણ બહુ મસ્ત લાગે છે। હવે ટ્રાય કરીએ અમને દહીં જોડે, આ બે જણ વચ્ચે એક છે એટલે બે જણ હોય તો એક મંગાવી શકો તો પૂરો થશે, એક જણથી પૂરો નહીં જાય કેમ કે આ વસ્તુ બહુ હેવી છે। 100 રૂપિયા પ્રાઇસ છે અને પૈસા વસૂલ છે। ઇન્દોર આવો, મેઘદૂત ગાર્ડન પાસે બાટીવાલા ત્યાં જરૂરથી આ વસ્તુ ટ્રાય કરજો, બહુ જ મજા આવશે, પૈસા વસૂલ છે। ચેનલ ફેસબુક પર જોતા હોય પેજ લાઇક ના કર્યું તો પેજ લાઇક કરી દેજો, યુટ્યુબ પર જોતા હોય ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ના કરી તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, અને આવી રીતે મોજ કરાવતા રહીશું તમને પણ। બાય બાય। બહુ બધા વિડીયો જોયા હતા ફેસબુક પર અને યુટ્યુબ પર, હું એનર્જી છે યાર નવીનભાઈમાં, અને એવું લાગે પાટલા જન્મમાં કસાયા હતા કે હું જોતો કરો પાછળ કાપે જ એટલે ખચાખચ ખચાખચ સરાફા બજારમાં બધા ભૂક્કા બોલાઈ જાય છે। નવીનભાઈનું રાજ છે એવું કહે છે સરાફા બજારમાં, રેડી ફોર મેકિંગ ક્રશ। નારિયલ બેંગ્લોર કે આજમી ઇન્દોર કા, આમ તો આમ ઓર ઉટલીઓ કે ભી દામ, યે તડકા ભી હૈ ઇસકે બગૈર ક્રશ અધૂરા હૈ, ઇસકો બોલતે હમ સોને પે સુહાગા।